नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज का स्पेशल प्रोग्राम अपनी पहचान और मैं हूं आपके साथ विनीता मिश्रा। अपनी पहचान एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको मिलवाते हैं उन तमाम खास लोगों से जिन्होंने बेहद ही कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है, जिन्होंने सपने देखे हैं और उन्हें पूरा भी किया है। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत और जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी। तो अपनी अलग पहचान बना चुके हमारे साथ शशि जुड़ने वाले हैं, जिन्होंने बेहद ही कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है। शशि यंग हैं, अपना बिजनेस संभाल रहे हैं, बावजूद इसके वो समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं, तमाम लोगों तक मदद भी पहुंचाते हैं। तो हम उनसे बातचीत भी करेंगे, लेकिन छोटा सा एक वीडियो भी पहले उनका देख लेते हैं। तो शशि का वीडियो भी आपको दिखाएंगे, उससे पहले शशि हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेलकम ऑन एवी न्यूज शशि, कैसे हैं आप? थैंक्स सुनीता, मैं बढ़िया हूँ और होपफुली आप लोग भी सेफ और बढ़िया होंगे। शशि, आपने बेहद ही कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है। बहुत ही कम एज में आपने अपनी कंपनी 5 साल पहले शुरुआत की और समाज सेवा के कार्य से भी आप जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपने जो अपनी कंपनी की शुरुआत की है, कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला, कहाँ से आपने शुरुआत की, क्या कुछ रही आपकी सक्सेस स्टोरी? इसका कुछ ऐसा फिक्स कोई प्लानिंग नहीं था, एज यूजुअल जैसे मेरे उम्र के बाकी लड़के करते हैं जी, कि पहले हम लोग एक अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, जो हमारा एक समाज का एक बेसिक डेकोरम बना हुआ है कि अगर आप यूथ हैं, अच्छे पढ़ने में अच्छे हैं, तो आप एक अच्छी डिग्री लें, एक प्रोफेशनल डिग्री लें। तो मैंने अपना MBA कंप्लीट किया है HR से, और एज़ यूजुअल हमारे जितने कॉलिग्स लोग थे, हम लोगों ने जॉब किया। 7 साल तक लमसम मैंने जॉब किया है, जिसमें कि कंपनीज के साथ काम किए, NGOs एंड CSR के साथ काम किए, EY जैसी कंपनीज के साथ काम करने का मौका मिला, जो कि टॉप ऑडिटिंग एंड कंसल्टिंग फर्म है। तो कुछ कॉलीग्स और सीनियर्स ने एडवाइस किया कि स्टार्टअप का बड़ा सुरूर चला हुआ है, भाई आप भी कुछ कर सकते हैं, इसमें शायद बेटर स्कोप है। तो उस तरीके से मैंने एक स्टार्टअप कंपनी इस्टेब्लिश की, ग्रोइंग प्लांट LLP जी। साइमल्टेनियसली कुछ समय बाद, चूँकि मैं सोशल कॉज भी करते ही रहता था अपनी माँ की मेमोरी में, याद में, तो कुछ लोगों ने कहा कि ठीक है, आप जब ऐसा कर ही रहे हैं तो आप इसको एक NGO को इस्टेब्लिश करके करें, तो शायद ज़्यादा से ज़्यादा आउटरीच जो है लोगों का वो बढ़ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जेन्यून लोगों को हेल्प मिल सके। तो कुछ फ्रेंड्स लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर इसको इस्टेब्लिश किया जी। बिल्कुल, तो कंपनी स्टार्ट करने का आइडिया फ्रेंड की तरफ से मिला आपको, कि आपको अपना करियर बनाना चाहिए, अपनी कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए? मेरे फ्रेंड्स और सीनियर्स ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है कि नहीं, आप इस चीज़ में बेहतर हैं, अच्छा कर सकते हैं, तो कोशिश करना चाहिए। हालांकि बिहार के सिनारियों में अगर देखा जाए तो स्टार्टअप्स को इस्टेब्लिश करना, उसको सक्सेसफुल रन करना बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होता है, क्योंकि बिहार में आप अदर स्टेट्स के जो मेट्रोज हैं उसकी तुलना में देखें तो बेटर सपोर्ट्स की कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी तो रहती है, बट अगर थोड़े अच्छे लोग कनेक्टेड हैं आपके साथ तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ बेटर हो सकता है जी। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने इस्टेब्लिश किया और जैसा हम लोग पढ़ते हैं न्यूज़ में, जैसा देखते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने इस्टेब्लिश किया और नेक्स्ट 1 to 2 years में वो शुरू कर जाए। स्टेप बाई स्टेप तरीका, मुझे लग रहा है कि शायद मैं भी इस चीज़ को समय दे रहा हूँ, तो शायद थोड़े धीरे धीरे से चीज़ें मूव हो रही हैं, होपफुली आगे और ज़्यादा अच्छे तरीके से मूव होंगी। शशि, ज़्यादातर देखा जाता है कि जो समाज सेवी होते हैं वो राजनीतिक क्षेत्र के होते हैं, बहुत ही कम ऐसा देखने को मिला है कि जो बिजनेसमैन होते हैं, जिनका अपना करियर होता है, वो भी समाज सेवा से जुड़े होते हैं, जैसा कि आप कर रहे हैं, लोगों तक अपनी मदद पहुंचा रहे हैं। आखिर समाज से इतना जुड़ाव कैसे, क्या कुछ मोटिव रहा है आपका? मोटिवेशन तो नहीं कह सकते हैं, इस मामले में मैं बहुत ज़्यादा लकी नहीं हूँ कि मैं किसी दूसरे यूथ्स की तरह और युवा की तरह इस तरह के समय जवाब दे सकूँ कि भाई ठीक है, मैंने इसको देखा तो मुझे मोटिवेशन मिला, इन्होंने मुझे एडवाइस किया तो मुझे इंस्पिरेशन मिला। शायद मैं इस मामले में लकी नहीं रहा। जब मैं खुद 16 साल का था तो मेरी माँ गुजर गई थी, तो वो जो शुरुआती 3 साल रहे वो भावनात्मक स्तर से बहुत कमी महसूस हुई। तो उस समय मैं स्टूडेंट भी था, पढ़ाई भी कर रहा था, और जब MBA कम्प्लीट हुआ तो जॉब भी करने लगा, तो लोग धीरे धीरे आसपास के लोग जाने लगे कि ये पर्सनल लेवल पे अपनी माँ की पुण्यतिथि पे चीज़ों को करता है, गरीबों को खाना खिलाना और भी बाकी जो चीज़ें होती हैं। कुछ लोगों ने एडवाइस किया कि ठीक है, आप जब ये करते ही हैं, जब आपका जेन्यून रीज़न है, तो आप NGO इस्टेब्लिश कीजिए और अपने आउटरीच को आप बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। तो ये जो मैं कर रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि मुझे कुछ कहीं से इंटरेस्ट था, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब मेरी माँ जीवित थी तो ये सब करना उन्हें बहुत पसंद था, तो ये मैं इसलिए करता हूँ कि उन्हें कहीं ना कहीं
एक संतुष्टि मिले। और ज़्यादा देखा जाए तो ये मैं इसलिए करता हूँ कि मुझे आत्मसंतुष्टि मिलती है जी। और चूंकि मैं इस एज में कर रहा हूँ तो लोगों का एक परसेप्शन बन गया है कि इस एज में ये कर रहा है तो लगता है इसको समाज सेवा करना बड़ा अच्छा लगता होगा या इसको इसमें इंटरेस्ट होगा। बट बेसिकली देखा जाए तो जेन्यून रीज़न ये है कि मैं ऐसा इसलिए करता हूँ कि इससे मुझे पर्सनल लेवल पे सेटिस्फैक्शन मिलता है जी। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं ऐसा कर रहा हूँ तो शायद मेरी माँ को भी कहीं ना कहीं वो जो अब नहीं रही शायद उनको खुशी मिल रही होगी। बिल्कुल। और कहते भी हैं कि माँ बाप के सपनों को उनके बच्चे ही साकार करते हैं और आप अपनी माँ के सपनों को बिल्कुल साकार भी कर रहे हैं, लोगों तक मदद भी पहुँचा रहे हैं। सुना है कि आप एनजीओ भी चलाते हैं, क्या कुछ नाम है एनजीओ का? हम और कुछ फ्रेंड्स ने मिलकर राइजिंग सन फाउंडेशन के नाम से इस्टेब्लिश किया है जी। और इस एनजीओ को हम लोगों ने लगभग 5 से 6 साल पहले हम लोगों ने इसको इस्टेब्लिश किया, अनफॉर्मली 6 साल पहले किया, फॉर्मली हम लोगों ने 5 साल इसको पहले इस्टेब्लिश किया ऑन डॉक्यूमेंट। और हम कुछ फ्रेंड्स मिलके ही इसको एग्जीक्यूट करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, समाज में जहां तक हो पाता है। अपने ऑफिस से काम करने के बाद मंडे टू सैटरडे हम लोग जब काम कर लेते हैं तो हम लोग फिर इसको अपने फ्री टाइम में कुछ सिमिलर माइंड के फ्रेंड्स लोग हम लोग मिलके इसको करते हैं। लगातार आप लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं। फिलहाल जिस तरह की सिचुएशन है हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में, कोरोना संकट में किस तरह आपने लोगों तक मदद पहुंचाई, क्या कुछ उनकी हेल्प की है आपने? कोरोना के टाइम है तो स्टार्टिंग का तो जो फर्स्ट 7 डेज था वो ऐसा था कि खुद हम लोग भी जब बैठ कर प्लानिंग कर रहे थे तो समझ में नहीं आ रहा था कि स्टार्टिंग 7 डेज हम लोग कैसे करें जी, किस डायरेक्शन में हम लोग जाएं, एग्जैक्टली अभी करना क्या चाहिए जो हेल्पफुल हो सकता है। बाद में फिर हम लोगों ने आसपास की चीज़ों को देखा तो ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रहे थे कि रोज़मर्रा की खाने की चीज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं, जो डेली लेबर्स हैं, जो अदर्स अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ के जो लोग हैं उन तक चीज़ें नहीं पहुँच रही। तो हम लोगों ने ये चीज़ों को प्लान किया कि ठीक है हम लोग सूखा राशन जो है, ड्राई फ्रूट्स जो है लोगों तक पहुँचाएँगे जी। और जब हम लोगों ने ये किया एज एन पायलट बेसिस पे तो ज़्यादा रिस्पांस आया और इस तरह से करते करते फ्रेंड्स वॉलंटियर्स मिलते गए तो एनजीओ के संगठन के बैनर तले हम लोगों ने अराउंड 55 से 70 लोगों तक हम लोगों ने ये सूखा राशन पहुंचाया, जिसमें कि पटना के ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग थे उन तक ये चीज़ें पहुँच पाई। बिल्कुल, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, लोगों तक मदद भी पहुंचा रहे हैं, अपना करियर भी बना रहे हैं, आपकी अलग एक कंपनी भी है, फैमिली का कितना सपोर्ट रहा है आपके साथ? इस पॉइंट पे मुझे अगर मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है कुछ कहने के लिए तो मैं कहूँगा 3 लोगों का बहुत इस पॉइंट पे काफ़ी सपोर्ट रहा। एक तो मेरे 2 मामा हुए, पंकज जायसवाल और मनोज जायसवाल, ये हमारे 2 मामा हुए। और स्पेशली मेरे पिताजी का इस पॉइंट पे कंपनी को रन करना हो या एनजीओस के इस्टेब्लिशमेंट को करना हो या माँ के याद में जो भी समाज के लिए करना हो, इन 3 लोगों का सपोर्ट रहा, जो हमेशा इस चीज़ को कहते थे कि नहीं कर रहे हो ठीक है करना चाहिए। उन्होंने अप्रिशिएट किया, उन्होंने कभी इस ढंग से नहीं किया कि भाई तुम जब जॉब कर रहे हो या करियर कर रहे हो तो उस पर फोकस करो, इस पर क्यों कर रहे हो, कभी उन्होंने क्रिटिसाइज़ नहीं किया, उन्होंने मोटिवेट किया। हाँ, कुछ दूर दराज के रिश्तेदार थे जो कभी फ़ोन पे और कभी सामने में होते हैं ना वो गिला शिकवा करने जी, वाले जी। बट एनीवे फादर ने इस बात को इंटरप्ट किया, उन्होंने बताया कि नहीं ठीक है ऐसी चीज़ें होती हैं तो आपको अपने फोकस पे आपको ड्राइव करना चाहिए, आपको उस पे चलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो आपकी सक्सेसफुल स्टोरी है, कहीं ना कहीं आपके और फैमिली का साथ बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे सफर में। कंप्लीट वे में तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि फैमिली में जहाँ मेरी जो समझ बनती है शायद माता पिता वगैरह सब लोग आ जाते हैं उसमें जी। तो माँ वाला जो भाग रहा वो तो 16 साल की उम्र से ही वो एक भाग वो खाली ही रह गया। तो कहीं ना कहीं माँ की ब्लेसिंग तो आपके साथ रही है। हाँ, ये कह सकते हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं जो भी कर पा रहा हूँ या जो भी चीज़ें हो पा रही हैं, क्योंकि कुछ भी प्लान्ड वे में नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं है मतलब मैं भी एज ए नॉर्मल वे में ही लाइफ को कर रहा था जैसे बाकी लोग करते हैं, MBA कंप्लीट हो गई तो आप जॉब कर लीजिए, अब जब जॉब कर रहे हैं तो थोड़ी अच्छी सैलरी वाली जॉब कर लीजिए। तो चीज़ें निकल के आईं, लोगों से, सीनियर्स से निकल के आईं, फैमिली के कुछ रिलेटिव्स हैं जिन्हें मेरे मामा लोग का रहा, मेरे पिताजी का रहा जी। इन लोगों का रहा और फ्रेंड्स का रहा, ये सपोर्ट आते गया। कुछ लोगों ने अच्छे सजेस्ट किए, शायद उन लोगों ने मुझमें पोटेंशियल देखा तो उन्होंने सजेस्ट किया और मैं उन चीज़ों को करता चला गया जी। फ्यूचर के लिए क्या कुछ सोचा है आपने, क्या कुछ प्लान है आगे, फ्यूचर में क्या कुछ करना है? फ्यूचर के लिए ऐसा मैंने कुछ
कोई ऐसा प्लान नहीं बनाया है कि एक प्लान ए है फिर वो नहीं होगा तो एक प्लान बी है, वैसा नहीं है जैसा कि मैनेजमेंट में होता है। हाँ, ये दो इंटरेस्ट एरियाज रहे हैं, चूँकि आप जो प्रोफेशन में आप रहते हैं या आपकी जो क्वालिफिकेशन होती है उसका असर कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन में आता है। तो चूँकि मेरा MBA रहा है तो एंटरप्रेन्योर स्किल्स के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, कोशिश भी है जी। बिहार गवर्नमेंट से और बाकी लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि स्टार्टअप्स को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स जनरेट हो सके, क्योंकि मैं भी यूथ हूँ तो मैं भी चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स जनरेट हो सके। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स बाहर जॉब कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्टार्टअप्स को मौका मिलेगा तो वो बेटर परफॉर्म करेंगे। सोशल सेक्टर मैं इसलिए करता हूँ कि बेसिकली मैं अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करता हूँ कि ये मुझे अच्छा लगता है, मुझे आत्मसंतुष्टि महसूस होती है और लोग ये देखते हैं कि अगर ये यूथ है कर रहा है तो उनको लगता है कि ये कर रहा है, ये कोई समाज सेवा वाला टाइप का आदमी होगा, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली ये है कि मैं इसको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं पर्सनल लेवल पर सेटिस्फाई रहता हूँ। जी बिल्कुल, और आजकल जिस तरह की सिचुएशन है समाज सेवा से बड़ा शायद ही कोई पुण्य है। हाँ, ये तो सेक्टर अच्छा है, आपने शायद इसका बहुत अच्छा लाइव एग्जांपल हमें कोरोना टाइम में ही मिल गया। जब कोरोना का टाइम था तो जो कोरोना पैंडेमिक जब आया तो बहुत सारे NGOs आगे आए, बढ़ के आए, बहुत सारे बिजनेस टाइकून्स भी बढ़ के आए, लोगों का सपोर्ट भी किए। शायद ये सपोर्ट सिस्टम नहीं होता तो शायद चीज़ें संभल नहीं पाती। तो दो हमारे पास तबका, एक तबका ऐसा है जो NGOs को एक गलत परसेप्शन पे भी लोग देखता है, बट एक तबका ऐसा भी है जो उसको मानता है कि अगर ये नहीं होता तो शायद चीज़ें समाज में मूव नहीं हो पाती। जी शशि जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बचपन में सबका कुछ ना कुछ सपना होता है कि बड़े होके मुझे ये बनना है, बड़े होके मुझे कुछ ऐसा फ्यूचर चाहिए। आपने क्या कुछ सपना देखा था खासकर बचपन में? बचपन में तो मतलब मुझे लगता है कि और लोगों की तरफ बहुत कुछ देख लिया, मतलब जब मेरी माँ थी और पिताजी के साथ मैं मतलब हर 2-4 महीने पे एक नया नया सपना ही उन्हें बताता था कि भाई बड़े होकर एक्टर बन जाएंगे, फिर कभी बोलता था कि मैं पायलट ही बन जाऊंगा, फिर कभी कहता था मैं बिजनेसमैन भी बन जाऊंगा। तो मुझे लगता है कि फोकस शायद बचपन के टाइम में नहीं था, शायद हर बच्चे का उस मामले में ज़्यादा होता है। शायद मैं उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं था कि एक बहुत फोकस्ड वे मेरा। हाँ, एक इंटरेस्ट एरिया ज़रूर था कि अपनी खुद की कंपनी को इस्टेब्लिश करने और MBA जैसे प्रोफेशनल डिग्री को परस्यू करने की इच्छा ज़रूर थी कि मैं इसको परस्यू करूँ और अगर आगे फ्यूचर में अगर मैं डेवलप करूँ तो मैं अपने एंटरप्रेन्योर स्किल्स को बढ़ाऊँ। स्टार्टअप्स के रूप में अगर मैं अपने आप को रजिस्टर कर चुका हूँ तो एक सक्सेसफुल स्टार्टअप्स के रूप में सामने बनूँ। आखिर कब आपको लगा कि नहीं मुझे स्टार्टअप के साथ अपना करियर शुरू करना चाहिए और इसमें मेरा फ्यूचर ब्राइट है? ईमानदारी से बताया जाए तो स्टार्टअप्स का कॉन्सेप्ट मेरे पास नहीं था। कुछ हमारे बहुत अच्छे कलीग्स एंड सीनियर्स थे, उन्होंने ही सपोर्ट किया था। मुझे लगा कि भाई MBA कंप्लीट हो गई है तो एक जो समाज का तबका था मैं भी उसी ढर्रे पे ही चल रहा था और उसको कहीं ना कहीं सही भी मैं मान चुका था कि नहीं ठीक है, आपने MBA किया तो आप एक जॉब को परस्यू करें जो एक सिक्योर पोजिशन है, अगर आपको अच्छी जॉब मिल गई तो थोड़ा ज़्यादा सैलरी वाली ब्रैकेट वाली जॉब ढूंढ लें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी ब्रैकेट आप लेते रहें। तो जब ये फेज चला 5-6 साल तक तो कुछ लोगों ने बताया कि भाई ठीक है आप ये भी कर सकते हैं, ये भी आपके पास एक ऑप्शंस है, आप जॉब करते हैं कहीं ना आप एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से और प्रोफेशनल तरीके से करते हैं, तो अगर आप MBA हैं तो आप क्यों नहीं एंटरप्रेन्योरशिप को परस्यू करते हैं, अगर आप नहीं भी परस्यू करना चाहते हैं तो एटलीस्ट एक बार ट्राई तो कर ही सकते हैं ताकि एक मन में भी कहीं कुछ ग्लेशियर नहीं रह जाए कि ठीक है मैंने पढ़ाई तो की बट ये वाला काम नहीं किया। जी, तो एक ये रीज़न था स्टार्टअप्स की ओर आने का। शशि जी, जिस तरह का आपका करियर रहा है, जिस तरह आपने बचपन में सपने तो कुछ और देखे थे लेकिन जिस तरह आप फिलहाल अपनी कंपनी स्टार्ट कर चुके हैं, सक्सेसफुल हैं, बेहद ही कम समय में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं, कई युवा हैं जो अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप उन तमाम युवाओं को? मुझे लगता है कि मैं खुद अभी लर्निंग फेज में हूँ और अब मोटिवेशन मैसेज देने से मतलब अब मोटिवेशन मैसेज मुझे लगता है लोग गूगल पे ही डाउनलोड करके पढ़ लेते हैं। नहीं, लेकिन तो फिर भी लोग सुनना चाहते हैं कि आखिर इन्होंने अपना करियर बनाया है, सक्सेसफुल रहे हैं, तो आखिर इनके पीछे कुछ ना कुछ तो ऐसा बात होगा जो वो जानना भी चाहते हैं। मुझे लगता है कि जो जिस फील्ड में वो बेटर कर पाते हैं उस चीज़ को वो परस्यू करें जिसमें उनको लगता है कि इसमें उनका इंटरेस्ट एरिया रहा है, क्योंकि मैं भी जब था तो सिर्फ एक इंटरेस्ट था, जब मैं जॉब में भी था तो सिर्फ मेरा इंटरेस्ट था कि भाई एक अपनी कंपनी होगी, एक अपना स्टार्टअप होगा, अगर शायद वो इंटरेस्ट नहीं रहता तो शायद वो मैं नहीं कर पाता।
हर युवा के पास अपना एक इंटरेस्ट लेवल होता है कि भाई ठीक है मुझे भी ये काम करना है, थोड़ा अच्छा लगता है। हो सकता है समटाइम्स फैमिली रीजन से और अदर ऑब्स्टिकल्स बाधाएं हैं, हर किसी के पास होती हैं, मिडिल क्लास फैमिली में तो ज़्यादा ही होती है। तो कोशिश करते रहना चाहिए आपको, अपना कोशिश करने का जो परसिस्टेंस है, परसिवरेंस है, वो नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में नहीं मिले, अभी आजकल के यूथ थोड़ा जल्दी पैनिक भी हो जाते हैं, मैं भी पैनिक हो जाता हूँ। जब मैं जॉब में था तो मुझे लोग फ्रस्ट्रेटेड गाय भी बोलते थे कि भाई तुरंत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तो मुझे लगता है कि शायद आप जो पसंद करते हैं उसको परस्यू करते रहिए, अभी नहीं होगा एक साल बाद होगा, एक साल बाद नहीं होगा तीन चार साल बाद हो जाएगा। और रही बात सोशल सेक्टर की, तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने आप को पहले इम्पावर्ड करें, आप ये देखें कि आप खुद पहले हैंडफुल हों, खुद पहले आप सक्षम हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप समाज की ओर ध्यान दे रहे हो और आपने पता चला कि आप खुद सक्षम नहीं हो पाए, चीज़ें पर्सनल लेवल पे आपकी बिगड़ गई, क्योंकि जब तक आप इम्पावर्ड नहीं होंगे तो आप दूसरों को कैसे हेल्प करेंगे। तो मुझे लगता है कि लोगों को मंडे टू सैटरडे ऑफिस जा रहे हैं, अच्छी बात है, मंडे टू सैटरडे बिजनेस है आपका, जो भी काम है आप कर रहे हैं, बट एक दो घंटे आप अपने आसपास निकाल लीजिए, अपने फैमिली में देख लीजिए, अपने आसपास के लोगों को देख लीजिए, शायद थोड़ा बहुत हेल्प आपके लिए थोड़ा बहुत होगा, शायद किसी दूसरे के लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाए। बिल्कुल, तो मेन मोटिव यही है कि सपने देखिए और सपने साकार जरूर होते हैं, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन आपके सपने जरूर पूरे होंगे। शशि जी, आप हमसे बात किए, अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू विनीता, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे शशि, जिन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर की। अपनी पहचान है एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम आपको उन तमाम लोगों से मिलवाते हैं जिन्होंने बेहद ही कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है। तो ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं स्पेशल प्रोग्राम अपनी पहचान, जहां हम आपको मिलवाते हैं बेहद ही कम समय में जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। और बेहद ही कम समय में अपनी अलग पहचान बना चुके लॉर्ड रामी रेंजर हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेलकम ऑन एबी न्यूज लॉर्ड रामी रेंजर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। आज 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 एक बहुत इम्पोर्टेंट डे है हमारी लाइफ में, क्योंकि आज के दिन हमें स्वतंत्रता मिली। आज के दिन के लिए मैं सब भारतवासियों को प्रणाम करता हूँ, बधाई देता हूँ और उनको साथ साथ ये भी कहता हूँ कि ये जो इंडिपेंडेंस डे हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये एक यूनिटी, जो हम सबकी यूनिटी का एक नतीजा था। ये इंडिपेंडेंस डे किसी एक कम्युनिटी की कारण नहीं हुआ, इसमें सबने योगदान दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने मिलके यहाँ बहुत बड़ी जद्दोजहद से ये किया। इस दिन को हम प्रणाम करते हैं जिस दिन हम एक हो गए और बराबर हो गए इस दुनिया में। हम अभी इंडिपेंडेंट हैं और इक्वालिटी एंजॉय कर रहे हैं। अगर हम गुलाम होते तो हमारा पता नहीं क्या हाल होता। तो आज मैं आप सबको प्रणाम करते हुए ये कहता हूँ, आज सेलिब्रेट करो धूमधाम से और उनको भी याद करो जिन्होंने कुर्बानियां दी, सेक्रीफाइस की, जिन्होंने माँ को आज़ाद किया, हमें आज़ाद किया, उन्होंने बड़े बड़े बलिदान दिए और उनको याद रखना चाहिए हमेशा। और मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ जिन्होंने हमें एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आज इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम सब बराबर हैं, एक हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी की है एवरीवन इज इक्वल रिगार्डलेस ऑफ रेस रिलीजन कलर और जेंडर। जेंडर के नाम पे मैं आपको दोबारा बताता हूँ, एज ए सिंगल पेरेंट चाइल्ड जिसको सिर्फ माँ ने अपब्रिंग किया, मेरे को पढ़ाया लिखाया, औरत की शक्ति को कभी कम नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, जो सोसाइटी अपनी औरतों को पीछे करती है वो खुद पीछे हो जाते हैं। तो मेरी ये प्रार्थना है आप सबको, एम्पावरमेंट करो विमेन को और मान सत्कार करो, कि हमारे कल्चर में औरत की महानता बहुत है, हमारी देवियां हुई हैं, उनको आगे भेजो। तो मेरे भाइयों, आज का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जिस दिन मैं यूके में हाउस ऑफ लॉर्ड में बैठा हूँ एज ए इक्वल। अगर गांधी जी सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह जैसे हमारे नेता ना होते तो पता नहीं हमारा क्या हाल होता।
तो आज इंडिपेंडेंट करो, सेलिब्रेट करो और उनको प्रणाम करो जिन्होंने अपनी जीवन बलिदान करके ये हमारी माँ को आजाद किया। तो इस ऑन दिस नोट मैं कहता हूँ अगर हमारी यूनिटी में इतनी ताकत थी तो उस यूनिटी को मेंटेन करो फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी यूनाइट रहो। सबसे पहले हम अपने आप को भारतवासी समझे, उसके बाद कोई भी धर्म अपनाओ अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, बट द यूनिटी ऑफ इंडिया मस्ट कम फर्स्ट एंड एवरी टाइम। अगर हमने दुनिया में हमने इज्जत मानी है, रिस्पेक्ट लेना है दुनिया में, तो एज ए स्ट्रॉन्ग इंडिया, यूनाइटेड इंडिया, वी विल बी ए वेरी फोर्सफुल पावर। अब जहां भी दुनिया में जाओ भारतवासियों की बहुत मान सत्कार होता है कि हम एक सेक्युलर कंट्री की प्रोडक्ट है, हम मैरिट यूज करते हैं, हम कोई रिलीजन नहीं यूज करते। तो इसलिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और बधाई देता हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश को इस कोरोना वायरस से छुटकारा डाले ताकि हम गरीबों के लिए तरक्की कर सकें, हम आगे बढ़ सकें और अपने बॉर्डर को भी हम कंट्रोल कर सकें, अपने बॉर्डर को भी मजबूत कर सकें, कि हमारे दोनों तरफ बहुत गलत नेबर हैं जो जिनको हमारी तरक्की भाती नहीं, तो हमें अपने घर को ताला लगाना पड़ेगा। तो सोचा हम अपने आप को इतनी वो एक गाना था, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इस देश को संभालना हमारा सबका एक फर्ज बनता है, एक ड्यूटी बनती है। और दिस नोट मैं सबको सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जय हिंद। बिल्कुल लॉर्ड रामी, आपने बहुत ही सही बात कहा कि सबसे पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद किसी जात और धर्म की बात करनी चाहिए। और यही वजह है कि जो हम भारतीय हैं, भारतीय होने की वजह से आप वहाँ और मैं यहाँ स्वतंत्र होकर आज बैठे हैं और स्वतंत्रता दिवस आज मना रहे हैं। लॉर्ड रामी, हमारे दर्शक जो आपको सुन रहे थे आपकी बातों की तारीफ जरूर कर रहे होंगे और सबसे पहले वो आपके बारे में जानना भी चाह रहे होंगे कि आपकी सक्सेस स्टोरी क्या कुछ रही, कहाँ से आपने शुरुआत की। मैंने रिफ्यूजी कैंप से शुरू की, मेरा फादर था विजनरी, उसको पता था कि रिलीजियस डिसहार्मनी कैन नेवर ब्रिंग पीस, क्योंकि ये रिलीजियस हार्मनी इज ए प्री रिक्विजिट फॉर सिविल सोसाइटी। अगर हमने एक अच्छी सोसाइटी बनानी है उसमें टॉलरेंस होनी चाहिए। तो मेरा बाप उसके पार्टीशन के अगेंस्ट था, तो वो एक डीएवी स्कूल के बच्चों जुलूस निकाल रहे थे, उनको बचाते बचाते वो शहीद हो गए। तो हम रिफ्यूजी ट्रेन से इंडिया आए, मेरी माँ थी और 8 बच्चे थे, बड़ी मुश्किल से मेरी माँ टीचर थी, पढ़ी लिखी थी, बच गए। अगर मेरी माँ को पढ़ाया ना जाता तो आज मैं आपके सामने न बैठता। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ औरत की शक्ति बहुत है। 8 बच्चे पढ़ाए, 5 ब्रदर इंडियन आर्मी में कमीशन ऑफिसर बने, और वही औरत जो रिफ्यूजी कैंप में थी उसको भारत प्राउडेस्ट इंडियन मदर का टाइटल मिला। और मैं यूके आया और मेरी माँ ने जो मुझे एजुकेशन दी थी, मुझे क्वीन ने 8 दफा ऑनर किया। आज मेरी बिजनेस 130 कंट्री में हूँ और मैं उस जगह बैठता हूँ हाउस ऑफ लॉर्ड में जहाँ टॉप के बंदे ब्रिटिश जजेस बैठते हैं, बिशप बैठते हैं, जनरल बैठते हैं। यह हमारी सभ्यता है। हम गरीब कंट्री से जरूर आए थे लेकिन हम बहुत रिच फिलोसफी लेके आए थे। माँ को माँ, बाप को बाप, बहन को बहन, हम जानने वाले हैं। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ जो सभ्यता ने हमें हजारों साल साथ दिया है, हमारे पे इतने जुल्म हुए, इतने अटैक हुए, हमारे तबाह करने को, फिर भी हम जिंदा हैं। इस सभ्यता में कोई शक्ति है तो हम जी रहे हैं। और आज अमेरिका, कैनेडा, यूएसए, जहां भी जाएंगे आप, जर्मनी, जापान, हम भारतवासियों का एक अलग ही दर्जा है, अलग ही नाम है। क्यों? क्योंकि हमारी वैल्यू जो है वो आप सबको, हमारा सभ्यता बोलता है वासुदेवा कुटुंबकम, हमारे लिए सब कुछ एक छोटा सा गांव है। हम किसी के साथ नफरत नहीं करते, किसी के साथ झगड़ा नहीं करते, हम मेहनती कौम है, मेहनत करते हैं और हमारा एक अलग ही रिस्पेक्ट बन गया है दुनिया में। आज जहां भी भारतीय जाता है उसको सलूट पढ़ते हैं क्योंकि ये सब माँ की आशीर्वाद है। वाकई लॉर्ड रामी रेंजर, आपको सुन के ऐसा लग रहा है कि यूके में हिंदुस्तान बोल रहा है।
अरे हिंदुस्तानी नहीं बोलेगा तो चाइनीज बोलेगा जी, हम तो हिंदुस्तानी हैं, रहेंगे मरते दम तक हिंदुस्तानी रहेंगे। आई एम वेरी प्राउड टू बी हिंदुस्तानी। बिल्कुल, और सिर्फ मुझे ही नहीं, जितने हमारे दर्शक अभी आपको सुन रहे होंगे उन सबको प्राउड फील हो रहा होगा कि यूके में कोई हिंदुस्तानी इस तरह से दहाड़ रहा है। लॉर्ड रामी, हमारी को होस्ट दर्शना भी यूके से आपसे जुड़ी हुई है, वो भी कुछ सवाल आपसे पूछना चाह रही है। जी दर्शना, वेलकम ऑन एबी न्यूज। लॉर्ड रामी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सवाल पूछ सकती हैं आप। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले सभी देशवासियों को जो वहाँ है यहाँ है सबको हार्दिक शुभकामनाएं हमारे स्वतंत्र दिवस की। मैं लॉर्ड रामी जी से पूछना चाहूंगी, आपने क्या क्या डिफिकल्टीज फेस किया और आपने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन किए हैं एजुकेशन फील्ड में, तो इनकी वजह क्या है, जरा हमसे प्लीज शेयर कीजिए आपकी डिफिकल्टीज। देखो ये जो मेरी माँ थी ना, उसने मुझे कहा था बेटा, एफर्ट्स आर इन आवर हैंड, रिवॉर्ड्स आर इन द हैंड ऑफ गॉड। तू अपना इंसानियत से ईमानदारी से तू काम करना। और जब मैं यहाँ आया था 50 साल पहले, ये कंट्री बॉडी डिफरेंट थी, हमें बिल्कुल वो नफरत से देखते थे, प्रेजुडिस था, बहुत ही विक्टिमाइजेशन था। लेकिन हमें मेरी माँ की मुझे शिक्षा याद रहती थी कि बेटा इस दुनिया, ये दुनिया चलती है इंसानियत के बल से, तेरे को कोई ना कोई इंसान अच्छा मिल जाएगा हेल्प करने के लिए। हमने मेहनत की, अच्छा काम किया। कहते ना यू कांट कीप गुड पर्सन डाउन, तो उसका नतीजा ये हुआ कि हम अंग्रेजों को पीछे छोड़ते रहे। किसी टाइम में हमारा फूड करी इनको पसंद नहीं था, आज ये करी के बगैर रह नहीं सकते, तो इनको पता लग गया, क्योंकि ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना, परसेप्शन। तो यहाँ आके हमने बहुत मेहनत की, और जो भी कहते प्रेजुडिस हर जगह में होता है उसको इग्नोर करना चाहिए, अपनी मेहनत से राइज, कहते राइज अबव द रेस्ट। आपने अपनी मेहनत अपनी क्वालिटी से अपनी जगह बनानी पड़ती है। आसान जिंदगी में कोई काम आसान नहीं है, तो लेकिन हमने कहा कि चलो ये 8 घंटे काम करते हैं तो हम 10 घंटे काम करेंगे, तो हमने इनको मेरिट से कमिटमेंट से आगे पीछे छोड़ा। लेकिन हर जगह पे मुझे जगह जगह पे मुसीबत आई, लेकिन जो आदमी मुसीबत से भाग जाता है तो वो भागता ही रहता है। इसको मुसीबत को सलूशन निकालो, इसका हल निकालो और हर लाइफ आसान हो जाएगी। आज हमने जिंदगी में नाम बनाया किस लिए, कि चैलेंज जो है उसको भारत माँ के आशीर्वाद से हमने उस आशीर्वाद को पकड़ा और उसके साथ हमने आकना पड़ा। कहते वो बंदा वो डरे जिसने पाप कमाना है, जिसने पाप नहीं कमाना उसको डरने से कोई जरूरत नहीं है। हमने ईमानदारी से काम करें। मेरी माँ बोलती थी बेटा तुम पैसा कमाते हो इज्जत के लिए, जब इज्जत नहीं उस पैसे का क्या फायदा। तो हमने इज्जत भी कमाई, पैसा भी कमाया और भारत माँ की सेवा भी की, उसमें हमें खुशी है, गौरव भी है और हमें सेटिस्फेक्शन भी है कि भारत माँ के हम कुछ काम आ सके, जिस माँ ने हमें सभ्यता से हम यहाँ हैं। वाकई लॉर्ड रामी आपको सुनकर बेहद बहुत ही अच्छा लगा, खासकर पर्सनली मुझे आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा। आज यूके में हैं आप, लेकिन जिस तरह से आप दहाड़ रहे हैं जैसे लग रहा है वहां पे पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है। आप हमसे जुड़े, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद। तो ये थे लॉर्ड रामी जो यूके से हमारे साथ जुड़े हुए थे, बेहद ही कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है। और अब हमारी को होस्ट दर्शना भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो दर्शना का पहले एक छोटा सा वीडियो आपको दिखा देते हैं, फिर उनसे बातचीत भी करेंगे। Thank you.
तो यूके से हमारी कोस्ट दर्शना हमारे साथ जुड़ गई हैं। हेलो दर्शना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं भी बिल्कुल सही हूँ दर्शना। दर्शना, हालांकि हमने प्रोग्राम की शुरुआत कर ली है, डॉक्टर रामी से भी, लॉर्ड रामी से भी हमारी बातचीत हो गई है, इनके अलावा और कौन कौन से गेस्ट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं आज? हमारे और गेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग आज हमारे गेस्ट हैं, सो दर्शकों से निवेदन है कि बने रहे। हमारे गेस्ट है डॉक्टर अमाल किशोर बुद्धिया, जो कि एक डेंटिस्ट है। हमारे दूसरे गेस्ट है मिस्टर ज्ञान शर्मा, जो एक आईटी कंसल्टेंट है, एक एस्ट्रोलॉजर भी है। और दूसरे हमारे गेस्ट है डॉक्टर अमोल कृष्णा कराले, जो एक मॉर्निंग रिचुअल मिरेकल्स के क्रिएटर है और सुपर 30 के मेंटर भी है। जी, तो ये तमाम लोग आज हमसे जुड़ेंगे, और सबसे पहले अब हमारे साथ डॉक्टर किशोर भी जुड़ेंगे। तो डॉक्टर किशोर बुद्धा डेंटल में काम करते हैं, आपको बता दें। डॉक्टर किशोर के बारे में सबसे पहले बता दें, डॉक्टर अमल किशोर 1995 में आज ही के दिन बुद्धा डेंटल की शुरुआत की थी, उसके डायरेक्टर हैं और बुद्धा डेंटल के 25 साल हो गए हैं। बुद्धा डेंटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें बेहद ही कम खर्चों में लोगों का इलाज किया जाता है। तो डॉक्टर अमल किशोर से हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन उनका एक छोटा सा वीडियो पहले देख लेते हैं। तो डॉक्टर अमल किशोर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो डॉक्टर अमल किशोर, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। वेलकम ऑन एबी न्यूज। डॉक्टर अमल किशोर, सबसे पहले ढेरों शुभकामनाएं। आज ही के दिन आपने 1995 में बुद्धा डेंटल की शुरुआत की थी, 25 सालों से लगातार आप अच्छा काम कर रहे हैं, कई अवार्डों से आपको नवाजा गया है, बेहद ही कम समय में आपने बहुत ही अच्छी पहचान अपनी बनाई है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए मैम। पटना में 95 आज ही के दिन 15 अगस्त 95 हमने शुरू किया था। फिर वो पेशेंट बढ़ते गए, डॉक्टर लोग आते गए, पेशेंट का संख्या ज्यादा होता गया, तो हम लोग और ब्रांच बढ़ाते चले गए जी। और हम लोग पटना में 10 ब्रांच अभी चल रहा है, और हम लोग बहुत कम लो चार्ज पे पेशेंट का काम करते हैं। आप बोल सकते हैं कि सरकारी रेट पे हम लोग काम कर रहे हैं जी। डॉक्टर अमल किशोर, आपने बेहद ही कम समय में बहुत ही अच्छी और अलग पहचान बनाई है अपनी, कहाँ से आपने शुरुआत की, क्या कुछ रही आपकी सक्सेस स्टोरी? 95 में कांटी फैक्ट्री रोड से बहुत छोटे जगह से शुरू किया था, छोटा क्लिनिक था जी। आज के तारीख में मेरे अंदर से लगभग 10-15 डॉक्टर हैं, 20-30 स्टाफ हैं, और अभी भी हम लोग बहुत कम चार्ज ले ही काम कर रहे हैं। डेंटल कैरियर बहुत अच्छे से हो रहा है, और आगे भविष्य में चाहते हैं कि बुद्धा डेंटल का और भी ब्रांच बढ़े, आप लोग का प्यार बना रहे जी।
बिल्कुल ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए, काम करते रहिए, लोगों तक सेवा भाव से कम खर्च में इलाज करते रहिए। डॉक्टर अमल किशोर हमारी को होस्ट यूके से दर्शना भी जुड़ी हुई हैं, वो भी कुछ सवाल आपसे पूछना चाह रही हैं। जी दर्शना। डॉक्टर हम आपसे पूछना चाहते थे कि ये कोविड के वक्त जो चल रहा है इतना सोशल डिस्टेंसिंग, उसमें ये डेंटल प्रैक्टिस आप कैसे चला रहे हैं? डॉक्टर अमल किशोर, बहुत टफ चीज है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग इंडिया जैसे कंट्री में बहुत ही मुश्किल हो रहा है कि हम लोग इसको मेंटेन करें। एक ऑटो में, बस में भी मेंटेन होना बहुत मुश्किल हो रहा है। गांव में तो ठीक है, बट शहर में बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो हम लोग पीपी किट वगैरह हो गया, मास्क सील्ड हो गया, सील मास्क वगैरह लगाएं, पेशेंट का टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद जो बहुत ज़रूरी है वही पेशेंट को हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अदरवाइज दांत बनाना हो, पायरिया हो, ये सब अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। पेशेंट को खुद कन्विंस कर रहे हैं कि अभी जो इमरजेंसी सेवा है वही केवल हम कर पा रहे हैं, और उसके लिए प्रॉपर सैनिटाइजेशन करते हैं पूरे क्लिनिक का, पीपी किट वगैरह रखे हुए हैं, पेशेंट को भी देते हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग करके तो हम लोग इमरजेंसी काम कर नहीं सकते हैं, तो वो लिस्ट बोलिए या जो भी बोलिए, वो जो भी प्रोटोकॉल के अंडर में कर रहे हैं, और जो बहुत ज़रूरी, जो बहुत नीडेड पेशेंट हैं उनको कर रहे हैं। आखिर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मालूम हुआ कोरोना नहीं, डेंटल इन्फेक्शन के कारण उनको दिक्कत हो जाएगी, तो करना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर अमल किशोर, आपने जैसा कि बताया कि 1995 में आज ही के दिन आपने शुरुआत की थी, 25 सालों से लगातार आप अच्छा काम कर रहे हैं। इन 25 सालों में किस किस तरह की डिफिकल्ट सिचुएशन आपने फेस की है? डिफिकल्ट क्या है, लाइफ है तो सब कुछ चलता है, ऐसा कुछ डिफिकल्टी नहीं है। आदमी को डिफिकल्टी आती है, सॉल्यूशन भी मिलता जाता है जी। और एक डेंटल सर्जन होने के नाते एक ही क्लिनिक होना चाहिए, लेकिन मेरे अंडर में बहुत लोग जुड़ते चले गए और क्लिनिक बढ़ता गया, और उम्मीद है कि आगे तक बढ़ेगा। और मुझे जरा आपको बता के बहुत ही खुशी होगी कि मेरी सिस्टर भी डॉक्टर है, वो कनाडा में है जी। और मेरा भांजा भी अभी मेडिकल में ही है, वहाँ कनाडा में ही अभी जस्ट ज्वाइन किया इस कोरोना में। और मेरी सिस्टर भी वहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रही है, वो लोग पिछले 15 सालों से कनाडा में है। मेरी सिस्टर मेहमान और मेरा भांजा, वो लोग भी मेडिकल में ही है। मेरा छोटा भाई भी मेडिकल से रिलेटेड है, मेरे फादर भी डॉक्टर, हम लोग पूरा फैमिली डॉक्टर भी है जी। तो बस करना है। डॉक्टर अमल किशोर, जो बच्चे 10th कंप्लीट कर चुके हैं या फिर इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो कैसे आपसे संपर्क करें? इस वक्त प्लस टू करना है और नीट निकालना जरूरी है उन लोगों को, बच्चों को, और नीट निकालने के बाद में आराम से एडमिशन हो जाएगा। 4 साल कोर्स है, फिर 1 साल इंटर्नशिप है, फिर खुद से सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए। मोदी जी जो बोल रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर बनने के लिए तो यही सेल्फ प्रैक्टिस करना है। और डेंटल का रिगार्डिंग बहुत सारा यहाँ पर प्रॉब्लम है, ज़रूरी नहीं है कि आप पटना ही में करें, आप रूरल एरियाज में भी जाकर क्लिनिक एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उससे भी आप आराम से 50,000-1,00,000 रुपये तक कमा सकते हैं जी। और बहुत रिस्क नहीं है डेंटल, बहुत अब आज के तारीख में कॉस्मेटिक भी हो गया, बहुत सारा जिन्हें का दांत बाहर हो, लड़कियों को ब्रेसेज वगैरह लगाना है, रूरल एरिया है तो गंदगी है, पायरिया है, बहुत सारा इसमें प्रॉब्लम। अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा नीड है डेंटल सर्जन के, और आपके एब्रोड में तो हम लोग को लगता है कि हम लोग बहुत कॉस्टली पड़ते हैं, और शायद यूके में इंश्योरेंस में भी नहीं आता है जैसा मेरी जानकारी है। अगर बच्चे यहाँ से करके वहाँ यूके में, कनाडा में, अमेरिका में अगर डेंटल प्रैक्टिस करते हैं तो देयर वे रिचेस्ट बिजनेसमैन के बाद तो लगता है सेकंड थर्ड में डेंटल सर्जन आता है। मेरा बैचमेंट सैनी आपके यहाँ है कलर का, वो ऑर्थोडोंटिक्स हम लोग बैचमेंट हैं, तो फील्ड बहुत ही अच्छा है डेंटल सर्जरी का जी। जी बिल्कुल। डॉक्टर अमल किशोर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा संदेश भी आपने दिया है। आप हमसे जुड़े तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे डॉक्टर अमल किशोर, जो डेंटिस्ट हैं, बहुत ही अच्छा काम भी कर रहे हैं।
अब बेहद ही कम समय में अपनी अलग पहचान बना चुके ज्ञान शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे। तो ज्ञान का पहले एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं, फिर उनसे बातचीत भी करेंगे। तो यूके से ज्ञान शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो ज्ञान शर्मा, वेलकम ऑन एबी न्यूज, कैसे हैं आप? हाँ नमस्कार, हम एकदम ठीक हैं। सबसे पहले तो एबी न्यूज के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी ज्ञान शर्मा, आपने बेहद ही कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि कहां से आपकी शुरुआत हुई और क्या कुछ रही आपकी सक्सेस स्टोरी। या एक्चुअल मैं बेसिकली कानपुर उत्तर प्रदेश इंडिया से हूं और मैं पहले यूएस में करीब 6 साल रहा था। अब मैं आईटी कंप्यूटर इंजीनियर हूं, 6 साल मैं यूएस में रहा था। फिर उसके बाद मैं यूके में आ गया, 2005 से मैं यूके में ही हूं जी। और मैं एस्ट्रोलॉजी की स्टडी एक्चुअल में मैं करीब करीब जब 15-16 साल का था तब से मैं करता हूँ, तो करीब आई थिंक 25-30 साल हो गए होंगे मेरे को, मोर देन दैट। और मैं एस्ट्रोलॉजी की स्टडी करता रहता हूँ, तब से मेरे को बहुत ज़्यादा शौक है। तो यह अभी मेरा एस्ट्रोलॉजी का एक कंसल्टेंसी कंपनी भी है एस्ट्रोलॉजी की जी। ज्ञान जी, हमारी को होस्ट दर्शना भी यूके से जुड़ी हुई है, वो भी कुछ सवाल आपसे पूछना चाह रही है। जी दर्शना। नमस्कार ज्ञान जी, हम आपसे पूछना चाहते थे कि व्हाट इज द रियल यूज ऑफ एस्ट्रोलॉजी और ये लोगों को जानना एस्ट्रोलॉजी के बारे में क्यों जरूरी है। जी हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअल में। तो एस्ट्रोलॉजी का जो मेन जो दो यूज माने जाते हैं वो ये माने जाते हैं, एक तो पहला होता है कि जजमेंटल एस्ट्रोलॉजी। जजमेंटल एस्ट्रोलॉजी में ये है कि अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं तो वो आपको बताएगा कि आपकी इन जनरल एजुकेशन कैसी रहेगी, इन जनरल आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहेगी, मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। और सेकंड होता है प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में ये है कि वो बता सकते हैं कि किस कौन सा इवेंट आपकी लाइफ में किस स्टेज पे होगा, किस उम्र में आपकी शादी होगी या फिर आपको प्रमोशन कब मिलेगा या आपको जॉब कब मिलेगी, ये हो गया प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एस्ट्रोलॉजी में, जो सबको जानना चाहिए, वो है कि जस्ट टू फाइंड आउट व्हाट इज द गुड टाइम एंड व्हाट इज बैड टाइम इन योर लाइफ। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में कभी कभी ऐसा होता है जब कभी आपका अच्छा टाइम नहीं चल रहा होता है एस्ट्रोलॉजिकली और आपको मालूम नहीं है ये बात कि आपका टाइम अच्छा नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है और काम उसके बनते नहीं है, बनते हैं तो बहुत मुश्किलों से बनते हैं, तो उसमें क्या है फ्रस्ट्रेशन काफ़ी आ जाता है और फ्रस्ट्रेशन के साथ साथ डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं लोग। तो उस समय अगर एस्ट्रोलॉजर की एडवाइस ले ली जाए तो उसमें एस्ट्रोलॉजर आपको ये बता सकता है कि व्हेन इज योर गुड टाइम
एंड वेन इज योर बैड टाइम। तो अगर आपको पता चल जाए कि दिस इज योर बैड टाइम एंड फ्रॉम दिस पीरियड टू दिस पीरियड आपका टाइम अच्छा नहीं चलेगा, तो फिर आपके लिए एक बहुत ही बड़ा एक तरह के कंसोलेशन हो गया, आपको मालूम पड़ गया कि आपके काम इसलिए भी नहीं बन रहे हैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल माय प्लैनेट्स दशा पीरियड इज नॉट दैट फेवरेबल, तो इसलिए आप एफर्ट करेंगे लेकिन आपको आपको मालूम है कि आपका काम नहीं बनेगा, इसलिए ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे। तो उस समय एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि आपको कोई नया रिस्क, कोई नई चीज स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, कोई नया बिजनेस नहीं स्टार्ट करना चाहिए, जॉब स्विच नहीं करनी चाहिए, मतलब कोई मेजर रिस्क नहीं लेना चाहिए। और इसी तरीके से अगर आपका अच्छा टाइम है देन यू हैव टू मैक्सिमाइज इट, एक्चुअली यू कैन स्टार्ट ए न्यू बिजनेस इफ यू वांट, यू कैन स्विच ए जॉब और यू कैन डू एनीथिंग बिकॉज लेस एफर्ट विल बी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग अ गुड टाइम। सो एस्ट्रोलॉजी का मेन यूज जो है दैट यू शुड नो व्हेन इज योर गुड टाइम व्हेन इज योर बैड टाइम एज पर एस्ट्रोलॉजिकल दशा पीरियड। आपने सही बात बताई कि सही वक्त जानना बहुत जरूरी है, ये एक नया एस्पेक्ट है हमारे दर्शकों के लिए, सो थैंक यू फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। मैं और एक सवाल पूछना चाहूंगी आपसे, ये आयुर्वेदिक एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या है, थोड़ा इस पे हमें जरा आप बताएंगे। जी जी, ये एक्चुअल में जैसा आप जानते हैं कि आयुर्वेदिक और एस्ट्रोलॉजी ये दोनों वेदांग हैं, वेद के अंग हैं और ये दोनों बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड भी हैं, इनमें बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग भी है एक्चुअल में। तो क्या होता है जैसे आयुर्वेदा जो है दैट इज रिलेटेड टू ओनली मेडिकल साइंस या, बट एस्ट्रोलॉजी जो है दैट हैज ए वेरी वाइड स्पेक्ट्रम। सो वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइफ मीन इट कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, लाइक इट कवर्स योर एजुकेशन, योर मैरिटल लाइफ, योर finances, your job, career, everything it covers. So health is also one factor which is covered by astrology. So that factor comes under Ayurvedic astrology. अब इसमें difference क्या है, जो लोग बोलते हैं medical astrology और Ayurvedic astrology, इसमें एक major difference ये है कि जैसे आप किसी एक वैद्य के पास जाते हैं, जो Ayurvedic doctor होते हैं उनके पास जाते हैं, तो सबसे पहले वो आपके pulse check करते हैं, पल्स चेक करके वो पता करते हैं कि आपको में कौन सा त्रिदोष ज्यादा है, मतलब वात पित्त और कफ, तीन तरह के दोष होते हैं, उसमें से किस वाले का ज्यादा अधिकता हो गई है, तो उसको बैलेंस करने के लिए वो दोनों चीजों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज द काम ऑफ द वैद्य, आयुर्वेदिक डॉक्टर का। लेकिन यही चीज अगर ये एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगी तो एस्ट्रोलॉजर हॉरोस्कोप देख के ही बता सकता है कि आपको किस तरीके के दोष की अधिकता है। एस्ट्रोलॉजी के हॉरोस्कोप से पता चल सकता है कि आपको वात ज्यादा है कि पित्त ज्यादा है कि कफ ज्यादा है, उस हिसाब से वो उसका ट्रीटमेंट भी बता सकते हैं, मतलब हर्ब्स वगैरह बताई जा सकती है, हर्ब्स है, कलर थेरेपी वगैरह करा जा सकता है। सो और इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी में एक चीज हेल्थ से रिलेटेड बहुत अच्छी है कि वो लाइफ लॉन्ग आपको कौन सी डिजीज होंगी, किस उम्र में होंगी और वो किस तरीके से डेवलप होंगी, वो भी एस्ट्रोलॉजी से पता चल सकता है। और तीसरा एक डिफरेंस ये है आयुर्वेदिक और एस्ट्रोलॉजी में, यह है कि एस्ट्रोलॉजी आपको मेंटल हेल्थ के बारे में भी बता सकता है काफी कुछ, साइकोलॉजिकल हेल्थ इश्यूज जो है या मेंटल हेल्थ इशू है वो भी बता सकता है। इसमें काफी अच्छे तरीके हैं एस्ट्रोलॉजी में बताने के लिए। आयुर्वेदिक में मेडिकल साइकोलॉजी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं है एक्चुअल में, वो फिजिकल लेवल के बारे में ज्यादा बात करता है। तो इसलिए आयुर्वेदिक एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोलॉजी इज ए फुल फ्लेश्ड मेडिकल साइंस विच कैन टेल यू अबाउट द वॉट टाइप ऑफ डिजीज यू विल गेट एंड हाउ इट विल डेवलप एंड व्हेन यू विल गेट इट as well as physical and mental psychological issues it can tell. थैंक यू वेरी मच। और एक सवाल पूछूंगी आपसे, ये जो इंडियन गवर्नमेंट है आप क्या चाहते हैं, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को कैसे प्रमोट करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए इंडियन गवर्नमेंट ने? या एक्चुअल में इसमें एक एस्ट्रोलॉजी के बारे में आजकल रेपुटेशन ये है कि आजकल मेरे जैसे लोग जो हैं उनको ये शर्म सी आने लगी है कि अगर मैं किसी से बोलूं कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, दैट इज बहुत एक तरीके से बहुत इस प्रोफेशन को इतना बदनाम कर दिया गया है कि अगर किसी से बोलने में भी शर्म आती है कि एस्ट्रोलॉजर है, मतलब ये समझते हैं कि ये आदमी फ्रॉड ही होगा ऑलमोस्ट। मतलब इसमें इतनी ज्यादा इम्प्योरिटीज आ गई हैं, लोगों को इतना ज्यादा एक के तरीके से लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है एस्ट्रोलॉजी के नाम पे। तो इसको मेरा जो मिशन जो है वो ये है कि इस प्रोफेशन को थोड़ा प्यूरिफाई करना है, इसकी जो रियल नॉलेज को सबके लोगों के पास पहुंचाना है। तो उसके लिए एक तो पहली बात तो मेरी कंसल्टिंग कंपनी है, उसका नाम है realastro.com। तो उसमें हम हॉरोस्कोप एनालिसिस करते हैं और इसके अलावा वास्तु एनालिसिस भी करते हैं, फेंगशुई एनालिसिस भी करते हैं बिल्डिंग्स का, बिकॉज दिस ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड।
इसके अलावा इस प्रोफेशन को, एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशन को बढ़ाने के लिए मैंने एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा पोर्टल बनाया हुआ है, उसका नाम है astrolisting.com। इसमें मैंने वर्ल्ड के अच्छे चुने हुए जो क्वालिफाइड और जेन्यून एस्ट्रोलॉजर है उनको रखा है, और वो लोग कोई भी वर्ल्ड से कहीं पे भी जाके एस्ट्रोलिस्टिंग में जाके उनकी सर्विसेज ले सकते हैं। इसमें आई एम नॉट गेटिंग एनी मनी फ्रॉम आइदर पार्टी, इट इज जस्ट आई एम कनेक्टिंग गुड पीपल विद गुड एस्ट्रोलॉजर विद पीपल, सो दैट इज वन थिंग। एनदर थिंग, आई प्रोवाइड सॉफ्टवेयर टूल्स, फ्री एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर टूल्स लाइक हॉरोस्कोप आप बना सकते हैं अपने आप जाके, मैच मेकिंग के टूल भी हम प्रोवाइड करते हैं। सो और इसके अलावा मैं ज्योतिषी को पढ़ाने की भी कोशिश करता हूँ, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस आना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लोगों को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि एस्ट्रोलॉजी कर क्या सकती है और क्या नहीं कर सकती है, तो फिर अगर लोग आपको बना रहे हैं, पैसे आपसे ले रहे हैं, तो फिर उनकी भी कोई गलती नहीं, क्योंकि आपको, वी आर ऑल एस्ट्रो इग्नोरेंट, एक्चुअली हम लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है, वी आर ऑल एस्ट्रो इग्नोरेंट। तो इसलिए अपनी नॉलेज को हम लोगों को बढ़ाना पड़ेगा, ये मेन चीज है कि थोड़ा सा इसका प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही सही बात कही है। ज्ञान शर्मा, क्या कुछ संदेश, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं एक्चुअल में यही संदेश देना चाहता हूं कि एस्ट्रोलॉजर के पास अगर आप जा रहे हैं तो आपका एक कर्तव्य होता है कि आप एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा जानें, पहले आप जानें, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो हैं अपने साथ ब्लैक मैजिक, वशीकरण, इन चीजों को मिक्स करके एस्ट्रोलॉजी करते हैं, सो दैट इज नॉट रियल। ब्लैक मैजिक, वशीकरण, इन सब चीजों का एस्ट्रोलॉजी से कोई भी रिलेशन नहीं है। काल सर्प योग के नाम पे करोड़ों की इंडस्ट्रियां चल रही हैं, ये सब बंद हो जानी चाहिए। तो इसमें गवर्नमेंट को भी बहुत कुछ करना चाहिए, एक्चुअल में गवर्नमेंट को भी थोड़ा इसमें अवेयरनेस करने के लिए ये एजुकेशन सिस्टम में भी इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, उसके सर्टिफिकेशंस लाने चाहिए, गवर्नमेंट को एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड सर्टिफिकेशन लाने चाहिए, सो दैट नो एस्ट्रोलॉजर शुड बी अलाउड टू डू एनी कंसल्टिंग सर्विसेज इफ दे आर नॉट क्वालिफाइड। तो एक गवर्नमेंट का प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, सब पूरा शेड्यूल होना चाहिए कि इससे आप सर्टिफिकेशन करिए। तो मेरा यही मानना है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजर के पास कभी जाने की सोचते हैं तो आप पहले अपनी एस्ट्रोलॉजी में थोड़ी बेसिक नॉलेज करिए, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, दैट विल बी मच बेटर एक्चुअली। जी बिल्कुल, ज्ञान आप हमसे जुड़े, बातचीत किया, अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स, थैंक यू। तो हमारे साथ हमारी को होस्ट दर्शना हमारे साथ जुड़ी हुई है, दर्शना के पास चलते हैं। दर्शना, आपने एक बुक भी लिखा है, हमारे दर्शक आपका वो बुक जानना चाहते हैं कि क्या कुछ वो स्पेशल है उसमें। सो थैंक यू ये सवाल पूछने के लिए। पहले तो मैं एक पोएट हूँ, मैं बहुत यंग एज में, जब 18 साल की थी तब मैंने लिखना शुरू किया पोएट्री, और इतने सालों बाद हम उलझनों में, लाइफ में बिजी हो जाते, पर इतने सालों बाद पिछले साल ही मेरी पोएट्री की बुक रिलीज हुई है, ये है Tell Me Your Dreams and Other Poems। ये Amazon में पूरी दुनिया में अवेलेबल है। और इसके अलावा मैं एक मेडिटेशन टीचर भी हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच भी हूँ। तो अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल दर्शना, हालांकि आपकी किताब का नाम है Tell Me Your Dreams, क्या कुछ स्पेशल है इसमें? इसमें मैंने पोएट्री लिखी है जो हर एक इमोशंस जो हम फेस करते हैं, जब टीनेजर होते हैं तब हमारी अलग इमोशंस होती है, फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जॉब पे लगते हैं, तो हमारे जो फ्रेंड सर्कल होते हैं उनके साथ हमारे इमोशंस बदलते हैं, तो बदलते इमोशंस के साथ रखते हुए ये मैंने बुक लिखी है। अब तक की कहानियां एक कविता के रूप में इस बुक में लिखी है मैंने। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बुक है आपका। तो अब हमारे साथ हमारे अगले मेहमान डॉक्टर अमोल कृष्णा जुड़ने वाले हैं, तो उनका पहले एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं, फिर उनसे बातचीत भी करेंगे। Thank you.
तो मिस्टर अमोल कृष्णा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो मिस्टर अमोल, कैसे हैं आप? वेलकम ऑन एबी न्यूज। या थैंक यू मैम, आई एम डूइंग ग्रेट, थैंक यू। मिस्टर अमोल, सबसे पहला सवाल, आपने बेहद ही कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है, कहां से आपने शुरुआत की, आपकी सक्सेस स्टोरी क्या कुछ रही? सॉरी मैम, आवाज नहीं आ पा रहा है बराबर। अभी सुन पा रहे हैं आप मिस्टर अमोल? सुन पा रहे हैं आप? जोर से बोलिए, आवाज थोड़ा कम आ रहा है आपका। अच्छा, मैं सवाल एक बार फिर सुन पा रहे हैं। सवाल एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। आपने बेहद ही कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है, आपने कहाँ से शुरुआत की और सक्सेस स्टोरी क्या कुछ रही आपकी? तो मैम, ये शुरुआत हुई 2018 से। तब मैंने अपनी लाइफ चेंज की, मैंने अपनी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म की, बिकॉज काफी सारे फेलियर से मैं गुजर चुका था चाइल्डहुड से, बिकॉज चाइल्डहुड में मैं हमेशा डरा हुआ था और काफी सारे इंसिडेंट मेरी लाइफ में हुई जिससे मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, मेरा सेल्फ इमेज वीक हो गया, मेरे को बोलना नहीं आता था, मेरी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल काफी वीक थी। और जो इंसिडेंट था वो मेरी जब बहन 4 साल की थी तब उनका देहांत हो गया बिकॉज उनको कैंसर था। घर वालों ने काफी सेव करने की कोशिश की बिकॉज मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मेरे डैडी टेलर थे और मेरी मॉम हाउसवाइफ है। तो वो एक इंसिडेंट मेरी लाइफ में बहुत इफेक्ट किया। और जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था, जो मेरे को ये स्पेक्टिकल्स लगा, तो काफी लोग, जब मैं स्कूल में जाता था, लोग चिढ़ाने के, लोग मजाक उड़ाने के। उसके बाद वो कुछ चीजें मेरे को इतना प्रॉब्लम दी गई कि मैं पढ़ाई में मेरा ध्यान नहीं लगने का, और उसके कारण मैं 9th में प्रमोट हुआ, मुझे 10th में सिर्फ 54% मिले, 12th में मैं फेल हो गया, ग्रेजुएशन में फेल हो गया। और इतने सारे, जब आपको स्टडीज में आपके फेलियर होती है और जब आप जॉब के लिए जाते हो तो काफी सारे चैलेंजेस आते हैं। तो उसी प्रकार जब मैं इंटरव्यूज देने स्टार्ट किया तब मुझे रिजेक्शन पे रिजेक्शन मिलता गया बिकॉज सब मेरे मार्क्स देखते थे, बट किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि इनको इतना फेलियर क्यों मिला है। और बाद में जब मैं 6-7 इंटरव्यू फेल हो गया तब मैंने मेरे डैडी को बोला कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे हेल्प कर सकते हो क्या? तो मेरे डैडी ने मुझे बोला ठीक है, मैं आपको हेल्प करूंगा। और मैंने फर्स्ट बिजनेस मोबाइल शॉपिंग का किया, उसमें भी मेरे को फेलियर मिला। सेकंड बिजनेस मैंने एक इंस्टीट्यूट ओपन किया, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उस पर भी फेलियर मिला। थर्ड बिजनेस मैंने लेडीज कुर्ती सेल करना स्टार्ट किया, उसमें भी फेलियर मिला। इतने फेलियर के बाद मेरा कॉन्फिडेंस काफी डाउन हो गया था और 2017 तक मैं अपना जॉब भी इंजॉय नहीं कर पा रहा था बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, शायद मैं कुछ तो मेरे लाइफ में कमी है। और जब मैंने 2018 में रियलाइज किया कि ये मेरा माइंडसेट का इश्यू है, और मैंने फिर अपना 2018 में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन किया। फिर 2018 के बाद मैंने सोचा कि अब मेरे को दूसरों के लाइफ को चेंज करना है और कैसे मैं उनका भी माइंडसेट, जो भी वो फेलियर से गुजर चुके हैं, मैं कैसे उनको एक नया वर्जन उनको बनाऊं। तो वो हिसाब से मेरी जर्नी 2019 में मेरी एक नई जर्नी स्टार्ट हुई। मिस्टर अमोल, यानी 2019 यानी 2020 अभी चल रहा है, सिर्फ 1 साल से भी कम समय आपने अपनी करियर को दिया है और आपने बेहद ही कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है, वाकई काबिले तारीफ। थैंक यू मिस्टर अमोल। हमारी को होस्ट दर्शना भी यूके से जुड़ी हुई हैं, वो भी कुछ सवाल आपसे पूछना चाह रही हैं। जी दर्शना। अमोल जी, हम आपसे पूछना चाहते कि ये जो मॉर्निंग रिचुअल्स करके मिराकल्स, मॉर्निंग रिचुअल मिराकल्स, ये क्या है और ये सुपर 30 क्या है और ये आप क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है ये करने की? तो मैम देखिए, जब मैं 2017 में काफी फेलियर से गुजर रहा था तो मैंने काफी किताबें पढ़नी स्टार्ट की, जो लोग सक्सेसफुल है, कुछ ऑटोबायोग्राफी पढ़नी स्टार्ट की। और मैंने एक कॉमन नोटिस किया कि इन सब सक्सेसफुल जो लोग हैं, आप अगर आप जैक मा बोलोगे, आप अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बोलोगे, अक्षय कुमार बोलोगे, जो भी सक्सेसफुल पीपल है, उनका मॉर्निंग रिचुअल काफी स्ट्रांग होता है। और जब मैंने ये रिसर्च स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि मेरा भी खुद का एक मॉर्निंग रिचुअल होना चाहिए। और 2018 से मैं 1.5-2 साल तक ये मॉर्निंग रिचुअल करता हूँ। हर सुबह मैं 4 बजे उठ के ये मॉर्निंग रिचुअल करता हूँ। और मॉर्निंग रिचुअल में काफी सारी चीजें होती है कि आपका प्रेयर हो गया, आपका ग्रेटिट्यूड हो गया, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, मिरर एक्सरसाइज जिससे आपका सेल्फ इमेज इंप्रूव होता है, गोल राइटिंग, विजुअलाइजेशन, इंस्टॉलिंग पावरफुल बिलीफ इन सबकॉन्शियस माइंड, इनकैंटेशन, ऐसे काफी सारी चीजें मैंने अपने लाइफ पे इंप्लीमेंट की।
और 80% लाइफ मेरी सिर्फ ये मॉर्निंग रिचुअल से चेंज हो गई। फिर मैंने डिसाइड किया कि अगर मॉर्निंग रिचुअल मेरा इतना मेरा लाइफ चेंज कर सकता है और अगर ये कंसेप्ट मैं दुनिया को सिखाऊं, बिकॉज शर्मा फाइन क्लब का बात करते हैं बट कोई ऐसा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देता नहीं है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं क्यों अपना एक नीश, क्यों मैं अपना एक ये प्रोग्राम लॉन्च करूं जिससे मैं काफी लोगों तक पहुंचूं और ये मैं उनको हर सुबह 5 to 7 उनको पर्सनल ट्रेनिंग दूं। तो मैंने इनिशियली 2 महीना फ्री किया और लोगों का मुझे काफी रिस्पॉन्स अच्छा आया। फिर उसके बाद मैंने ये मेरा एक कोर प्रोडक्ट हो गया। अभी तकरीबन कम से कम 300 लोग मेरे जुड़े हुए हैं ये मॉर्निंग रिचुअल कम्युनिटी में, जो हम हर दिन 5 से 7 बजे करते हैं। और मैंने देखा कि काफी लोगों का लाइफ चेंज हो रहा है और किसी का रिलेशनशिप प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, किसी को घबराहट है, किसी को बात करने नहीं होता है, किसी का कम्युनिकेशन स्किल वीक है, उनकी भी धीरे धीरे उनको कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, उनका सेल्फ इमेज स्ट्रांग होता गया, उनका माइंडसेट काफी वर्ल्ड क्लास माइंडसेट। मैंने कोशिश की उनको हर किसी को एक वर्ल्ड क्लास माइंडसेट बिल्ड करने की कोशिश करूं और जैसे धीरे धीरे मैंने चेंजेस देखने स्टार्ट किए, मैंने सोचा कि लोगों का माइंडसेट तो चेंज हो गया है बट अब ये माइंडसेट को मैं उनको नेक्स्ट जर्नी पे कैसे लेके जाऊं। तो सब लोग तो जॉब करते हैं बट आज इतनी महंगाई हो गई कि लोगों के पास ऑप्शन ही है एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम कैसे कमाएं। तो मैंने सुपर 30 इन लोगों को स्टार्ट किया कि जिनको जॉब करते करते कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी कमाना है, जिनको अपना पैशन आइडेंटिफाई करना है, जिनको अपना पर्पस नहीं पता, तो ये सब मैंने एक सुपर 30 में कंसेप्ट स्टार्ट किया। जो भी मेरे मॉर्निंग रिचुअल के जो लोग है जिनको इंटरेस्ट है एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम कमाने का, उनके लिए मैं हर बैच में 30 लोगों को लेता हूँ और फिर मैंने धीरे धीरे उनको सिखाना स्टार्ट किया पैशन क्या होता है, पर्पस क्या होता है, कैसे आप अपना माइक्रो निश आइडेंटिफाई करोगे, कैसे आप अपना वैल्यूज अपना नॉलेज विजडम शेयर करके आप एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम कमा सकते हो। और ये जो भी मैंने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, ये मैं अपना धर्म है, मेरा ये कर्तव्य है कि मैं ये दूसरों को भी मैं पढ़ाऊं। तो इसी हिसाब से मैंने मॉर्निंग रिचुअल और सुपर 30 ये 2 कंसेप्ट स्टार्ट किए जिससे मेरे को काफी रिस्पॉन्स अच्छा मिला है और अब मैं कुछ ही दिनों में मेरा 3rd batch स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो ये है पूरा मॉर्निंग रिचुअल और सुपर 30 का कंसेप्ट। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है एक मॉर्निंग रूटीन रखना। मैं खुद भी हर दिन सुदर्शन क्रिया करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ। मेरा और एक सवाल था आपसे कि आप आपका मिशन कैसे अचीव करना चाहते हैं और आपकी बुक के बारे में भी थोड़ा जानना चाहूंगी। ये बुक का टाइटल द मैजिक ऑफ फेलियर, इसके बारे में भी हमें थोड़ा बताइए। सो मैडम, अभी जो मेरा मिशन है, मेरे को 31st दिसंबर 2020 तक 5000 लोग मुझे मेरे कम्युनिटी में चाहिए। बिकॉज मैंने जो तकलीफ सहन की है मेरे लाइफ में, मैं नहीं चाहता कि वही लोग वही तकलीफ से जाए बिकॉज ऑफ सेल्फ इमेज, माइंडसेट, बिलीफ नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। तो मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ, मैं हर वीक में एक 3 वेबिनार करता हूँ, वेनसडे को, सैटरडे को, संडे को, जिनको मैं लोगों को इनवाइट करता हूँ फेसबुक ऐड के थ्रू, मेरे ऑर्गेनिक लीड लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम से, और हर 3 दिन वीक के मैं उनको वैल्यू देता हूँ, उनको डेमो बताता हूँ कि क्यों मॉर्निंग रिचुअल जरूरी है। और हर वीक में मैं ट्राई करता हूँ कि हर वीक में कम से कम 70-80 लोग जुड़े मेरे मॉर्निंग रिचुअल कम्युनिटी में। तो ये मेरा एक सबसे बड़ा ड्रीम है, बड़ा गोल है और जो मैं पूरा कोशिश करूंगा ये गोल अचीव करने की। बिकॉज अगर दुनिया में अगर 70-80% लोगों ने भी अगर ये मॉर्निंग रिचुअल फॉलो करना स्टार्ट किया तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपनी इंडिया जो अपनी कंट्री है, कभी कोई फेल नहीं, अगर कोई फेलियर से भी गुजरता है फिर भी वो उभर के फिर से एक नया वर्जन बन सकता है, जिसको मैं वर्जन 2.0 बोलता हूँ। सेकेंड रहा बुक का सवाल, सभी लोग सक्सेस के बारे में बात करते हैं बट कोई लोग बताता नहीं कि वो कौन से फेलियर से जा चुके हैं, उनकी लाइफ कैसी थी। सक्सेसफुल बनना मतलब आप काफी सारे फेलियर से गुजरते हो बट कोई नहीं बताता कि फेलियर से आप ओवरकम करके कैसे सक्सेसफुल बनो। तो जो मेरा बुक है द मैजिक ऑफ फेलियर, मैंने उसमें अपनी पूरी कहानी बताई है कि जब एक बंदा जो वीक कम्युनिकेशन था, जो 9th में प्रमोट हुआ, जो 12th में फेल हुआ, ग्रेजुएशन में फेल हुआ, जिनको जॉब में रिजेक्शन ही रिजेक्शन मिलता गया, जिन्होंने कभी अपनी 2017 तक कभी लाइफ नहीं इंजॉय की, कभी वो हमेशा टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन में रहते थे, वो बंदा अगर लाइफ चेंज कर सकता है तो कोई भी इंसान अपनी लाइफ चेंज कर सकता है। सिर्फ आप फेलियर्स को एंजॉय करो, फेलियर्स को उन्होंने एम्ब्रेस करो और जैसे ही भगवान आपको फेलियर देता है वो उसको ग्रेटफुल रहो। बिकॉज मैंने एक जाना है कि भगवान ने जो मुझे फेलियर दिए थे वो इसलिए दिए थे कि मैं लोगों का लाइफ इम्पैक्ट करूं। और तब जब मुझे पता चला कि मेरी स्टोरी इतनी लोगों को इंस्पायर करेगी, जब लोगों का लाइफ चेंज करने की मैं कोशिश करूंगा, तब मुझे लगता है कि फेलियर्स आना जरूरी है। बिकॉज अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो बोथ सक्सेस एंड फेलियर्स आर इम्पोर्टेंट।
अगर आप फेलियर्स को एंजॉय नहीं करोगे तो आपको शायद सक्सेस भी जल्दी नहीं मिलेगा। और जैसे ही मैंने अपने फेलियर्स पे ओवरकम स्टार्ट करना स्टार्ट किया, जैसे ही मैंने लोगों को मदद करनी स्टार्ट की, भगवान ने अपने दरवाजे खोल के मुझे सक्सेस देना स्टार्ट किया। और ये मेरा फर्स्ट वेंचर है जहां पे मुझे अब तक कोई तकलीफ नहीं हुई फाइनेंस को लेकर, बिकॉज मेरे तीनों बिजनेस में मेरे को काफी लॉस हुआ था। बट जब मैंने लोगों को वैल्यू देना स्टार्ट किया, जब मैंने लोगों को कुछ कुछ कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना, कैसे कैसे अपनी जर्नी पूरी चेंज की, मैंने क्या क्या किया, स्टेप बाय स्टेप मैंने अपने पूरे बुक में बताया है द मैजिक ऑफ फेलियर में। बिल्कुल मिस्टर अमोल, आपने अपनी लाइफ में बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन देखे हैं, बहुत ही मेहनत किया है, उसके बाद आपने अपना फ्यूचर डिसाइड किया और उसको फ्यूचर को ब्राइट भी किया है। कई लोग ऐसे होते हैं कि एक जगह फेल होते हैं और हार मान जाते हैं, उन तमाम लोगों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं एक ही मैसेज दूंगा, अपने आप पे बिलीव करो, कभी भी हार मत मानो। एक ही मैंने सीखा है, मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं ना मैं वोन टैलेंटेड हूँ, ना मुझे भगवान ने एक जब लोग बोलते हैं ना कि शायद अमोल लकी है इसलिए अमोल को सक्सेस मिला है, कोई लकी नहीं होता है, आपको हार्डवर्क करना पड़ता है, फिर आपको जाके स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। बट लोग समझते नहीं है, लोग फेलियर से डरते हैं, लोग अपने कंफर्ट जोन में हैं, लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। मैं दुनिया जो भी ये चैनल वीडियो देखेंगे, मैं उनको एक ही मैसेज दूंगा कि प्लीज आप यूनिक हो, आप टैलेंटेड हो, आप में कोई ना कोई हिडन पोटेंशियल है जो जिसको आपको ढूंढना है। अमूल ने वो 2018 में हिडन पोटेंशियल ढूंढा, लेकिन लोग क्यों नहीं ढूंढ पाते, बिकॉज लोग अपने आपको इंट्रोस्पेक्ट ही नहीं करते, कभी लोग टाइम ही नहीं देते अपने आपको कि मैं क्या, किसमें मेरे स्ट्रेंथ है, मेरा वीकनेस क्या है, मेरा मेरा पैशन क्या है, मेरा पर्पस क्या है। मैं दुनिया में सिर्फ लाइक इंजॉय करने के लिए नहीं हुआ हूँ, शादी करना, टीवी देखना, पिक्चर देखना, ये सब नहीं है। हर इंसान दुनिया में कुछ ना कुछ कर सकता है, जैसे मदर टेरेसा का पर्पस था, महात्मा गांधी जी का पर्पस था। अगर आप अपने एक पर्पस आइडेंटिफाई करोगे तो आप जरूर जरूर कामयाब बन सकते हो। यही मैसेज है लोगों को कि प्लीज अपने आपको टाइम दीजिए, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, किताबें आपके बेस्ट फ्रेंड्स है। आप अगर देखेंगे मेरा कबर्ड पूरा किताबों से भरा हुआ है, जब मैंने किताबें पढ़ने स्टार्ट की तब जाके मेरा माइंडसेट चेंज हुआ, तब जाके मैंने अपने आप पे बिलीव किया कि नहीं, मैं भी कुछ दुनिया के लिए कर सकता। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही बढ़िया मैसेज दिया है, ऐसे ही यंगस्टर को आपसे सीखना चाहिए और अपना करियर बनाना चाहिए। आप हमसे जुड़े, बातचीत किया, अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो अब सीधे चलते हैं अपनी को होस्ट दर्शना के पास और दर्शना से भी थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं। दर्शना, सबसे पहले, हालांकि हमारे जितने गेस्ट थे बहुत ही टैलेंटेड थे, लेकिन आप भी कम टैलेंटेड नहीं, आपने बुक बहुत ही बढ़िया लिखा है, सबसे पहले ढेरों शुभकामना। थैंक यू वेरी मच। आपने बुक वाकई बहुत बढ़िया लिखा है। दर्शना, इस बुक को अगर कोई खरीदना चाहे तो फिर कैसे जुड़ सकता है आपसे? ये बुक अमेज़न में अवेलेबल है, कोई भी देश से लोग खरीद सकते हैं। अगर आप गूगल सर्च करेंगे टेल मी योर ड्रीम्स एंड अदर पोएम्स तो भी आप मेरी बुक पा सकते हैं। और अगर हमारे पास थोड़ा वक्त है तो मैं एक छोटी सी कविता इसमें से पढ़ना चाहूंगी, हालांकि वो इंग्लिश में है। जी सुना दीजिए। ठीक है, एक मिनट। इस पोएट्री का टाइटल है द विस्पर, यानी हम अंदर अंदर जो बातें करते हैं ना, वो कभी कभी हम सुनते नहीं, उसके बारे में मैंने लिखा है। इफ ओनली यू क्लोज योर आईज यू कैन सी व्हाट ओपन आईज कांट सी। If you stop speaking, then you can have conversation with yourself. If only you stop sniffing around, then you can be with your own fragrance. If you can stop touching just for a moment, then you can feel what is within. If you can shut your ears, then you can hear the voice that is within you. That's when you will hear the whisper that's been waiting to be heard. That's your whisper. सिंपली वाओ दर्शना, बहुत ही बढ़िया लिखा है आपने, ढेरों शुभकामनाएं, आप ऐसे ही लिखते रहिए और आपकी बुक को लोग पसंद भी कर रहे हैं। आप हमसे जुड़ी, बातचीत किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
मैं चाहती हूँ कि आप 2 मिनट हर दिन अपने साथ रहे और अपनी अंदर की आवाज सुनिए और वो आपको आपकी मंजिल तक आसानी से पहुंचाने का तरीका है ये। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी न्यूज़।